सो ये गाइस, कुछ दिनों पहले ना मैंने एक नवाबों वाला काम किया। वो क्या किया अभी मैं आपको बताती हूँ। सो मैंने किया नवाबों वाला काम ये कि हम गए हबीब। ओ माय गॉड, हबीब मैंने सोचा ही नहीं था कभी मैं जाऊँगी, वो भी फेशियल कराने के लिए। मतलब मैं फेस के साथ बहुत कम एक्सपेरिमेंट करती हूँ, बट ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे फेशियल कराने के लिए आई हूँ एंड यहाँ पे मैं कुछ ढूंढ रही हूँ बुक्स वगैरह, क्योंकि उन्होंने बोला थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप वेट कर लो। सो मैंने ये सारी चीज़ें निकाली है। पढ़ना तो है ना, फोटो देखो सिर्फ। एंड भैया का तो कभी मेरे पे मानो जोक्स ही ख़त्म नहीं होता। सो दिस इज़ द रूम जहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट होने वाला है, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या कराऊँ अपने साथ। तो मैं यहाँ चली आई अपने भैया के पास टू डिस्कस कि क्या कराना चाहिए और क्या नहीं। तो हम दोनों भाई बहन मिलके यहाँ पे पूरा डिस्कशन कर लिए कि हाँ ये वाला चीज़ सही रहेगा, और सब कुछ प्राइस भी देखना होता है ओब्वियसली। सो सारी चीज़ें देख कर, आफ्टर ऑल मेरे भैया का एंगेजमेंट है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस फ्रेंड्स, यू मस्ट नो। सो हम लोगों ने सारा चीज़ करा एंड मैं अंदर चली गई, उन्होंने मुझे लिया और दे पैक्ड मी इनसाइड। फिर क्लीन किया मेरे फेस को अच्छे से विथ सम वाटर, आई डोंट नो क्या था। मैंने इनसे थोड़ा दोस्ती कर लिया ताकि ये मेरे साथ थोड़ी प्यार से पेश आए, मेरे फेस को ऐसा कुछ भी ना कर दे। तो फिर ये मेरे फेस पे कुछ एक लेप लगा रही हैं, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। फिर इसको ऐसे बहुत सॉफ्टली वाटर के साथ ऐसे मसाज करके रिमूव किया। मत पूछो मज़ा ही आ गया जब ये मसाज करना शुरू करी थी, तो मतलब वाह, वर्ल्ड्स बेस्ट एक्सपीरियंस एवर। ऐसे इतना आराम लग रहा था क्या ही बताऊँ। फिर वापस से वो सारी चीज़ें रिमूव किया, उससे डी टैनिंग हुआ था एक्चुअली। फिर वापस से कुछ लगाया एंड फिर से मसाज करना शुरू किया एंड फेस को जो रगड़ा है मत पूछो, मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गया मुझे ही नहीं पता चल रहा था। बाहर निकलने के बाद तो मुझे लग रहा था ये मेरा फेस है ही नहीं। मतलब आप इफेक्ट एंड में देखना, वेट फॉर दैट। और हर एक स्टेप के बाद मानो मेरा फेस तो और ज़्यादा चमक रहा था और ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मतलब इन्होंने इतना एफर्ट डाला मेरे फेस पे, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना सुंदर मैं लग रही हूँ। और जब इन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया ना, स्टीम एंड ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव करने वाला, तो मैंने पूछा कविता जी क्या मेरे फेस पे ऐसा है, तो इन्होंने बोला नो मैम कुछ भी नहीं, आपके फेस पे इट्स वेरी क्लीन। फिर ये बहुत अच्छे से मसाज करा वापस से स्क्रबर लेके, फिर वो भी क्लीन करा एंड मतलब एक स्टेप के साथ मेरा फेस कितना अच्छा होते जा रहा है, कैन यू सी। फिर एट द एंड उन्होंने एक पैक लगाया मेरे फेस पे और इसको लगाकर वो जब चली गई थी, कैन यू सी हर, तो इसको लगाकर जब वो चली गई थी तो मैं से बहुत छेड़छाड़ कर रही थी, कैन यू सी एक्सपेरिमेंट्स। फिर वो वापस आई ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद, जिसमें मैं 2-3 बार अपने आइस कॉटन को रिमूव करके देख ली वो आई कि नहीं आई। सो इन्होंने इसको क्लीन किया एंड ये वाला लास्ट में ना बहुत रिलैक्स मिलता है इससे, पता नहीं ये क्या प्रोसेस है, पर मेरे फेस पे उन्होंने ऐसे प्रेस किया था और मुझे बहुत मज़ा आया। फिर मेरे फेस को डैप डैप करके पूरा वाटर जो भी एक्सेस था सब रिमूव किया, फिर एक क्रीम किया और मेरे फेस को सेट किया और उसके बाद आई एम लाइक डन। सो सी कितना चमक रहा है मेरा फेस एंड कितना खूबसूरत लग रहा है यार, मतलब मज़ा ही आ गया। ये ट्रीटमेंट लेके तो मानो मैं चमक ही रही थी, मतलब अलग ही दुनिया में आ गई। और फिर मैं पहुंची मेरे भैया को देखने के लिए कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो उनका बाकी सारा चीज़ हो गया था बट बालों का चीज़ चल रहा था। सो शैम्पू हुआ एंड सारा अच्छे से एकदम, इनको भी बहुत मज़ा आया। ही इज़ ऑल्सो फीलिंग लाइक अमेजिंग एट द एंड, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, सो डोंट मिस दैट। बहुत ही गजब लग रहे थे, बाहर निकले पहचान ही नहीं पाए। चाहिए था जैसे मसाज प्रॉपर, एक सोच रहे थे कि यहाँ पर कर दे। हाँ इधर इधर अच्छा फील हो रहा है और रिलैक्स लग रहा है ना स्किन सब। रेस्ट हो गया एकदम, फोन तक नहीं चला रेस्ट में। रिलैक्स रिलैक्स।